subscribe to our YouTube channel Van Fin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. Van Fin, discover opportunities, create wealth. दो दो मैनेजमेंट्स हैं और दो दो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट्स हैं, तो बातचीत की शुरुआत करते हैं पहले एनआईटी लिमिटेड के साथ और इस कंपनी के सीईओ मिस्टर सपनेश लल्ला साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। सपनेश जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। और एनआईटी के जो तिमाही रिजल्ट्स हैं वो पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे, तो रिजल्ट से मैं बातचीत की शुरुआत करता हूँ। तो सपनेश जी, जो Q3 के नंबर्स आए, टॉप लाइन तो एकदम फ्लैटिश नजर आ रही है, बेहद म्यूटेड परफॉर्मेंस है और आपकी रिलीज कहती है कि करेंसी वोलेटिलिटी के चलते बिक्री या आय में हमने इस तरह का म्यूटेड परफॉर्मेंस देखा, तो मुझे बताएं कितना इंपैक्ट था दरअसल करेंसी वोलेटिलिटी का, और आसान शब्दों में फिर कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ इस क्वार्टर में कैसी रही है, हालात कैसे रहे? अगर कांस्टेंट करेंसी में देखेंगे तो हमारी ग्रोथ 8% रही है, स्पेसिफिकली फॉर गो फॉरवर्ड बिजनेस 8% ग्रोथ रही है। तो आई थिंक यू आर राइट कि करेंसी वॉलेटिलिटी हैज प्लेड अ रोल इन आर Q3 परफॉर्मेंस, एंड गिवन द वॉलेटिलिटी इट विल कंटिन्यू टू प्ले अ रोल। तो जहां रेवेन्यूज मुझे फ्लैटिश नजर आ रहे थे, आप कह रहे हैं 8% के आसपास अगर कांस्टेंट करेंसी में होता तो ग्रोथ नजर आती, पर हाईलाइट इस क्वार्टर का टॉप लाइन तो म्यूटेड है एनीवेज, 8% भी टॉप लाइन म्यूटेड है, हाईलाइट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था। जब मैं साल दर साल कंपेयर करूं तो EBITDA में ऑलमोस्ट 69% का जंप, मार्जिन 340 बेसिस पॉइंट सुधरते हुए नजर आए, ये मार्जिन एक्सपेंशन में कहां से मदद मिली, क्या ये लो बेस का इंपैक्ट है? नहीं, ये इम्पैक्ट है, मार्जिन इम्प्रूवमेंट इज प्रिडोमिनेंटली ऑन प्रूडेंस विथ कॉस्ट एंड वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज मेक्स ऑपरेशंस मोर एफिशिएंट। तो दोनों, द 8% ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स एज वेल एज प्रूडेंस ऑन द कॉस्ट साइड हैज इम्प्रूव द मार्जिन्स। ओके, नहीं तो क्योंकि ग्रोथ ऐसा तो है नहीं बहुत एग्रेसिवली थी कि यूटिलाइजेशन से बेहतर स्वेटिंग ऑफ एसेट्स हुई हो, 8% के आसपास कॉन्स्टेंट करेंसी में आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता था ये, क्योंकि एक्सपेंशन मार्जिन में वाकई तगड़ा है लाला जी, तो कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स हैं या हायर रियलाइजेशन हैं, क्या आपने आप ट्यूटोरियल्स के लिए हायर फीस कमांड कर पा रहे हैं, ऐसा मार्केट प्लेस में हो रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाली ये है कि हमारा जो ओवरऑल बिजनेस है उसमें इम्प्रूव लेवरेज है, एंड द अदर पार्ट इज कॉस्ट रिडक्शन एज यू मेंशन्ड, एंड द मोमेंट लेवरेज स्टार्ट्स कमिंग इन वी स्टार्ट सीइंग इम्प्रूव्ड मार्जिन्स। अच्छा, प्रमोटर होल्डिंग सर, लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट्स, 250 बेसिस पॉइंट्स प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इस कंपनी में कम हुई है। इसमें कहा गया है कि एक शेयर होल्डर का, एक प्रमोटर का रिक्लासिफिकेशन हुआ, इसीलिए होल्डिंग रिड्यूस होती हुई नजर आई। क्या प्रमोटर्स ने कोई माल बाजार में बेचा नहीं है और सिर्फ मेयरली रिक्लासिफिकेशन के चलते मैं रिड्यूस प्रमोटर होल्डिंग देख रहा हूं इस कंपनी में? जी हाँ, आपकी एनालिसिस बिल्कुल बराबर है, जो की प्रमोटर्स हैं उनके होल्डिंग्स में कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा, एनआईटी लिमिटेड की जब बात होती है तो आपका वो कारोबार तो होता ही होता है और साथ साथ जो आपकी होल्डिंग है एनआईटी एक टेक्नोलॉजीज में, आपके पास 23% हिस्सेदारी है, 1,44,00,000 शेयर्स एनआईटी लिमिटेड ओन करता है उस कंपनी में। तो ये आइडिया बेसिकली क्या था, एनआईटी टेक्नोलॉजी शुरुआत एनआईटी लिमिटेड ने करी थी और इसीलिए इस तरह का हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी क्यों होल्ड करता है एनआईटी टेक में एनआईटी लिमिटेड? जैसे आपने कहा कि जब एनआईटी टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी, एनआईटी ने एनआईटी टेक्नोलॉजीज को एनआईटी से डीमर्ज किया था और वो डीमर्ज के बेसिस पे एक होल्डिंग रखी थी एयर विद द एक्सपेक्टेशन कि जब उस होल्डिंग की वैल्यू हमारे हिसाब से बराबर होगी तब उसको हम एग्जिट करने की बात सोचेंगे, और वही स्ट्रैटेजी बरकरार रही है। जैसे हमें इसकी वैल्यूएशन बराबर रहेगी तब हम उस पर कुछ एक्शन लेंगे। अच्छा, तो एनआईटी लिमिटेड हम जानते हैं लीडिंग स्किल्स और टैलेंट डेवलपमेंट कंपनी है, एनआईटी टेक्नोलॉजीज एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, आप कह रहे हैं स्टेक
क्योंकि डीमर्ज हुआ था तो इसीलिए हिस्सेदारी थी, और इवेंचुअली जब आपको लगेगा एसेट का मूल्यांकन अच्छा हो रहा है बाजार में तो उसे ऑफलोडिंग करने की बात करी जाएगी। बाजार में यही खबर तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है सर, क्योंकि एनआईटी टेक जो आप ही की सब्सिडरी है उसकी हिस्सेदार उसका जो शेयर का परफॉर्मेंस है पिछले 6 महीनों में वो स्टॉक दोगुना होता हुआ नजर आया है, इन एंटिसिपेशन की शायद कुछ देयर इज समथिंग ऑन द टेबल। क्या कुछ इस समय विचार विमर्श चल रहा है कि आपके हिसाब से एसेट का मूल्यांकन या एनआईटी टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन इतना हो चुका है कि अब ये स्टेक ऑफलोड करा जाए? जब ही स्टेक ऑफलोड करने की बात अगर होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, उससे पहले स्पेकुलेशन पे बातचीत करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है ना। इसे स्पेकुलेशन है इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था सर। तो फिर इसका मतलब आसान शब्दों में लाला जी कोई देर इज नथिंग ऑन द टेबल, नथिंग ऑन द ड्रॉइंग बोर्ड, किसी से बातचीत नहीं चल रही, इस तरह का कोई विचार विमर्श नहीं चल रहा है। एनआईटी लिमिटेड में जो हिस्सेदारी है, एनआईटी टेक्नोलॉजीज में जो एनआईटी लिमिटेड हिस्सेदारी है वो फिलहाल के लिए स्टेटस क्यों है, कुछ बदलाव नहीं होने वाला इसमें? बराबर ठीक है। अच्छा मुझे बताया एनआईटी लिमिटेड का इंडिया और इंटरनेशनल ऑपरेशन कितना मिक्स है रेवेन्यूज का इस समय? इंडिया का तकरीबन 30-35% का मिक्स है, आउटसाइड ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स यूएस यूरोप और चाइना इज अबाउट 65%। अच्छा भारत में आजकल स्किल डेवलपमेंट जैसी नई सरकार आई थी बड़ा जोर था, मैं और जब कोई भी स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड न्यूज आती है तो आपके स्टॉक में भी उछाल देखने को मिलता है, स्ट्रीट उत्साहित होती हुई नजर आती है, तो मुझे ये बताएं क्या और कितना एनआईटी लिमिटेड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रही है, क्या इस समय कोई प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास और हैं तो कितना एक्सपोजर है? हमारे पास थोड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, और एक्सपोजर कंपेयर्ड टू ओवरऑल एनआईटी रेवेन्यूज इज नॉट वेरी मटेरियल, सो थोड़े प्रोजेक्ट्स हैं एनएसडीसी के साथ जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। थोड़ा एक्सपोजर क्यों, क्या आप लोगों को वहां पे मार्जिन नजर नहीं आते या फिर सरकार की तरफ से ऑर्डर आउटफ्लोज ही इस तरह के धीमा पड़े हुए हैं इसीलिए इस तरह का सबड्यूड परफॉर्मेंस है, क्योंकि स्ट्रीट बड़ी बुलिश हुई थी इस एनएसडीसी के प्रोजेक्ट्स को लेकर? आपकी बात बराबर है, जो स्कीम थी जिस टाइम पे एनएसडीसी फॉर्म हुआ था उस टाइम पे काफी बुलिश थी। हमारे हिसाब से हमने अपना एक्सपोजर कम रखा है और म्यूटेड रखा है, क्योंकि जितना हम अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, जिसकी हमारे पास कलेक्शन आ जाती है, जिसकी हमें डिलीवरी में कॉन्फिडेंस होता है, वो हम करते हैं। हमें ये ख्याल नहीं है कि बिना सोचे समझे प्रोजेक्ट्स लें, जो प्रोजेक्ट्स हम अच्छे से ख़त्म कर पाते हैं जिसमें हमें कलेक्शंस भी नज़र आती हैं और प्रॉफिट भी नज़र आता है वो प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं। तो एक कॉन्शियस कॉल है आप कह रहे हैं मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखने का। चलिए सपनेश लाला जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए डिटेल में मेरे साथ बातचीत करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट की टेक अवे तो इस चैट का यही कि एनआईटी टेक्नोलॉजीज में जो हिस्सेदारी है इवेंचुअली मैनेजमेंट चाहता है उसे बेचने का, उसे ऑफलोड करने का जब एक अच्छा प्राइस रियलाइज करें वहां पे। इस समय लेकिन ऐसा कोई भी प्रपोजल ऑन टेबल नहीं है या फिर ऐसी कोई मंशा नहीं है कि एनआईटी टेक्नोलॉजीज के स्टेक को बेचा जाए। एनआईटी टेक्नोलॉजीज का स्टॉक लेकर आए, एक साल का, 6 महीने का, 1 साल का स्टॉक फायर करें, आप लोगों को समझ में आएगा मैं क्यों उस बात को इतनी तवज्जो दे रहा था। जिस तरह का वो मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस उस स्टॉक ने दिखाया है ये तो आज का है, 1 साल का दिखाया। चलिए एनआईटी टेक्नोलॉजीज का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा, ये है वो तगड़ा वोट।